शांति। आज की तारीख है 14/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें बुद्धि को भी कर्म के साथ साथ श्रेष्ठ और सत्वप्रधान बनाने को कहते हैं। कारण क्या, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो कहते हैं, मीठे बच्चे मम्मा बाबा के समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सत्वप्रधान बनाओ। सत्वप्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो तुम बच्चे अभी कर रहे हो? उत्तर है, आप कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा जवाब है। तो जवाब है, मात पिता के तख्त को जीतना, ये है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर वन बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के भगवान के महावाक्य की पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने के लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। नंबर दो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है और पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। वरदान सतगुरु बाबा का साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग और उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, तो ये हमें अच्छा लगेगा, ये हमारी उन्नति कर सकेगा नहीं। तो इसीलिए फिर हलचल होती है साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे और उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन है, अगर, फिर क्या आता है शब्द, मगर, मगर बहुत बड़ा होता है, पूरा खींच के पूरा का पूरा निगल जाता है, तो अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।